बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैकुम सब बहन भाइयों का की हाल चाल है। अल्लाह पाक तुहानू सब नू खुश रखे ते आबाद रखे, आमीन सुमामीन। अज असी तुसी देख ही रहे थे कि अज असी की पकान लगे हैं, तुहानू देखते सार ही पता चल गया होएगा कि असी ओजरी बनान लगे हैं। इहदा बनाना बहुत आसान है ते तुसी बहुत आसानी नाल इहनू बना सकते जे ईद भी खैर ना करीब है ते ईद ते तुसी बासानी आराम नाल इहनू ओजरी नू बना के ते अपनी फैमिली नू खिला सकते जे। तो जो जो ये समान डालांगे तुहानू दिखाने, सब तो पहले दस देने कि ओजरी असी धो के साफ सुथरी करके आटे ना मल के थोड़ा जिहा तेल लगा के नमक लगा के इहनू मलिया, इहनू साफ करके चार पंच पानी ते फिर इहदी कटिंग करके ते प्लेट च रख लईए। तो हुण सब तो पहले इहनू असी प्रैशर कुकर च डालांगे। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਤੁਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਡਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦਿਉ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 25 ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਓਜਰੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। चलो इन्हें सब नू भी कुकर दे विच डाल दे हैं। ए ओजरी जड़ी ये हुण डाल दित्ती है प्रैशर दे विच, तो हुण असी ये प्याज लहसुन अदरक ते टमाटर जड़ा इकट्ठा ही इहदे विच डाल दांगे, ए भी इहदे विच ही गल जाएगा। ए देखो प्याज ते लहसुन अदरक टमाटर सब कुछ इहदे विच डालता है। हुण असी 2 गिलास या 2.5 गिलास पानी डाल के ते इहनू प्रैशर कुकर नू असी 30 मिनट का टाइम लगा के ते इनू अग ते लगा लेने। ए देखो पानी असी इहदे विच तकरीबन 2.5 तो उपर 3 ग्लास के करीब डाल दिता है, क्योंकि अद्धा घंटा है प्रैशर चलना है तो पानी खुशक ना हो जाए। हुण इहदे विच असी तमाम पाउडर मसाले डाल देने। इहदे विच असी सुरख मिर्च पाउडर जिहड़ी है 1 चाय वाला चम्मच डालांगे। नमक जिहड़ा तुसी हसबे जरूरत डालना अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 चम्मच धनिया पाउडर दादड़ किया हुआ, अद्धी चाय की चम्मच हल्दी डाल देंगे, थोड़ा जिहा साबत सुखा धनिया डाल देंगे, थोड़ा जिहा असी जीरा डाल देंगे। ये तमाम मसाले इहदे विच डाल के अच्छी तरह ते मिक्स कर लेने। नमक तुसी टेस्ट कर लेना जदों फ्राई करोगे, अजे असी अद्धा चम्मच डाले है ते इहदे उत्ते हुण असी प्रैशर लगा के अद्धा घंटा इहनू लगाने हैं सीटी। टाइम तुसी नोट कर लेना 25 तो 30 मिनट। 25 मिनट तुसी उतार के ते देख लो, अगर नहीं गली ते तुसी 5-6 मिनट होर भी लगा सकदे जे। चलो उस तों बाद तुहानू मिलदे। अलहमदुलिल्लाह सारे जिहड़े ने इहदे विच प्याज ते लहसुन अदरक टमाटर सब गल गए। ए देखो हुण किन्ना पानी सी किन्ना रह गया, बिल्कुल थोड़ा जिहा रह गया। इहदे विच हुण असी ऑयल डाल देने, घिओ या ऑयल डालो तुसी। ए हुण इहदे विच ऑयल डाल देंगे तकरीबन अद्धी प्याली जिहड़ी है ना ऑयल दी। इहदे विच हुण इहदी बनाई करदे हां। बेशक तुसी कढ़ाई च पा लो इहनू, हुण आंच तेज़ कर लो, सिर्फ हुण इहदी भुनाई दे विच ही इहने अच्छी तरीके नाल पक जाना है, क्योंकि इह गल गए। बोटी तुसी टेस्ट करके देख लो, एक अलहदा प्लेट च निकाल के उहनू ठंडा करके तोड़ के देख लो, टुटदी है नहीं तो 5-6 मिनट की होर सीटी लगा लो। तो अलहमदुलिल्लाह इह रेडी है, इहनू चेक कर लिया। अगर टमाटर नहीं डालना तो तुसी दही फिर डाल दो, एक छोटी कौली, यानी कि 4-5 चम्मच दही दे डालो तो उहदे नाल इहदी भुनाई कर दो। असी टमाटर एक डाल दिता सी नॉर्मल साइज दा। देखो प्याज वगैरह सारा कुछ अलहमदुलिल्लाह विच गल गया। इहदा इह भी पानी बिल्कुल खुशक कर देना, क्योंकि खुशक खुशक ही अच्छी लगती है। तो इहदा सिर्फ सुखा जिहा मसाला ही हुंदा ओजरी दा, इहनू शोरबा जिहा नहीं बनाई दा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करना, तो नए आने वाले व्यूअर्स को दरखास्त है कि बैल का बटन जरूर दबाओ ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन तक बासानी पहुँच सकन। तो प्लीज़
इन पूरा जरूर वीडियो वाच करिया करो। जिहड़े पुराने सबसक्राइबर ने बहुत बहुत शुक्रिया, ते नए आने वाले भी खुश आमदी साढ़े चैनल पर। इंशाल्लाह इस तरह अच्छी वीडियोज़ लेके आवेंगे। सानू तुहाडे साथ ते तुहाडी दुआवां दी बहुत जरूरत है। एक अच्छा जिहा कमेंट्स करके दसना कि तुहानूं उहदी दी रेसिपी किस तरह की लगी है। कमेंट्स करन दे नाल नाल तुसीं सबसक्राइब भी कर दो, इह तुहाडे वल्लों साढ़े वास्ते हौसला अफजाई हुंदी है, तो साढ़े वास्ते खुशी हुंदी है कि चलो जिहड़ी असीं थोड़ी जी मेहनत कीती है ते उह तुहानूं पसंद आई है, तो उहदे इनाम च तुसीं सानूं सबसक्राइब कर दिता है। यह बस हुण असीं 10-12 मिनट इहदी बनाई करांगे। यह पानी जिहड़ा बिल्कुल खुशक हो जाए तो ऑयल उपर आ जाए, खुशबू आन लग पेगी खुद ब खुद। थोड़ा जिहा असीं गर्म मसाला इहदे विच डालदे हां। हुण इहदे विच थोड़ा जिहा असीं 1/2 चम्मच गर्म मसाले भी डाल के इहदी खूब भुनाई करदे हां, क्योंकि इहदा सिर्फ मकसद ही इहदी भुनाई है। भुनाई हो जाएगी इहदी अच्छी, उहदे नाल ओजरी च बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखो गर्म मसाला पैन दे नाल इहदा एक कलर भी चेंज हो गया, उसका खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस टाइम पर तुम अपना नमक जरा टेस्ट करो, अगर घट लगता है क्योंकि पक के तैयार होने वाली है, अगर घट लग रहा है तो फिर तुम इस डाल सकते हो। ओजरी की शान खत्म करने वास्ते अद्धा लैमन जड़ा ना यह बीज निकाल के असीदा जूस डाल देंगे, ये जी ओजरी की स्मैल होंगी है वह खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा सालन भी टेस्ट आता, लैमन जरूर एंड से निचोड़ो बनाई के दौरान। माशाला देखो कितनी जबरदस्त लग रही है, इसकी शक्ल भी कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने से भी माशाला बहुत ही टेस्टी है। पानी बिल्कुल खुशा करो ताकि इसकी गाढ़ा जिहा मसाला बन जाए। देखो जी माशाल्लाह खुशक हो गई है, अलहमदुलिल्लाह रेडी है। इहदे विच हुण असीं धनिया डाल दिंदे आ, अगर ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते जे तो तुसीं हरियां मिर्चां होर ज्यादा डाल दो, असीं एक विच डाल दित्ती सी। हुण असीं इहनूं सर्विंग प्लेट च तुहानूं दिखाने आ। देखो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, तुसी भी बनाना, अपनी फैमिली नू खिलाना। अपनी दुआवां च सानू याद रखो, अल्लाह पाक ताडा निगेबान। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलांगे होर रेसिपी लेके आवांगे। अल्लाह हाफिज़।